हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक मिक्सर ग्राइंडर है और इसमें जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आई हुई है डेड की। तो यहाँ से मैं इसको घुमा के देख रहा हूँ, काफ़ी स्मूथ यहाँ पे चल रही है, तो ये जाम तो नहीं है। तो डेड की प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पर प्लग लगा लेता हूँ कि हम देखेंगे इसमें वाटर में डेड की प्रॉब्लम है या कुछ और दिक्कत है। तो प्लग लगा लिया है मैंने, पावर भी दे दी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा अभी भी नहीं चल रहा है और इसको हम चालू करके इसमें हमिंग देखेंगे कि कोई हमिंग तो नहीं आ रही है। तो यहाँ पे देख सकता हूँ मैं इसको उंगली लगा रहा हूँ पूरी मिक्सर में, ऊपर ऐसे ना लगाएं क्योंकि चल भी सकता है, हल्का सा एक कोने से लगाएं या मिक्सर में ही आपको हमिंग की आवाज़ आ जाएगी। हर एक स्पीड में आप इसमें चेक कर सकते हैं हमिंग की आवाज़। तो मुझे कहीं पर भी हमिंग की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे देखते हैं ऑफ कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो चेक करेंगे इसके नीचे दोस्तों एक हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेस टू रीसेट स्विच होता है यहाँ पे। ये बजाज का मिक्सर ग्राइंडर है जो कि 500 वाट का है, 18000 आरपीएम यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस स्विच को, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऊपर उठा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो ये कुछ ऊपर को उठा हुआ दिख रहा है, तो मैं इसको प्रेस करूँगा। तो प्रेस कर दिया मैंने एक बार, अब भी ये मुझे ऊपर ही उठा हुआ दिख रहा है। अब मुझे ये नीचे फिर उठा हुआ लग रहा है, लेकिन ये पहले से नीचे है। अब चला के देखते हैं, क्योंकि एक बार इस स्विच को भी हमने प्रेस करना होता है क्योंकि रीसेट स्विच है, ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है। मैं फिर से इसको चालू करता हूँ तो ये यहाँ पर नहीं चल रहा है। तो मैं इसको चालू कंडीशन में और फिर मैं यहाँ से दबाता हूँ स्विच को, तो मेरा यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। यहाँ से मैं प्लग निकाल लेता हूँ, प्लग के बाद वायरिंग मेरी यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको खोलता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कर लिया है मैंने इसको ओपन, स्क्रू इसके ओपन कर लिए हुए हैं। जिस स्विच की बात कर रहा था वो मेरा ये है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो वायर होती हैं इसको निकाल करके इसके जो स्विच है इसको शॉर्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या हमारी ये मिक्सर ग्राइंडर है वो चलता है या नहीं। क्योंकि कई केस में होता क्या है कि हमारा स्विच ख़राब हो जाता है, तो मैं इसको जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको इसमें अटैच कर दिया है, जोड़ दिया है। उसके बाद मैं इसको इस तरीके से रखता हूँ और इसको फिर से सीधा कर लेता हूँ और मैं इसको पावर दे देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मिक्सर जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है अच्छे तरीके से। तो कई बार होता क्या है कि जो इसमें प्रॉब्लम है वहाँ पे जो ये रीसेट स्विच होता है ये हमारा कई बार ख़राब हो जाता है, लेकिन इस केस में पूरा ही ख़राब हो गया है। कई बार ये कट मार जाता है तो इसको प्रेस करने से काम बन जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा और ये हमारा जो मिक्सर है वो हमारा ओके हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर देना। बाकी मैं फेसबुक पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हैं।